चैनल देखने वाले सगले भाइयों ने आज 5 मई की सुबह सवेर की राम राम। एक बार फिर से स्वागत है थारो बागड़ी न्यूज़ की इन ताज़े एपिसोड में। फटाफट खबरों के सागे चालू करा हाँ आज राजस्थान की कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटा में राजस्थान के अंदर 175 नवा मामला आया है और 6 लोगों की मौत की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इनके सागे ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या होगी है 3061। अब तक राज्य में कुल मौत 77 हो चुकी है। जयपुर की 2 फीमेल नर्स आई कोरोना पॉजिटिव, एक SMS की और दूसरी सांगानेरी गेट अस्पताल की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटा में भारत के अंदर कुल 2573 नवा मामला सामने आया है और सागे 83 मौतों की पुष्टि हुई है। इनके सागे ही देश में कुल पॉजिटिव संख्या होगी है 42,836, जबकि में 29,685 लोग सक्रिय है, 11,762 लोग स्वस्थ है घर जा चुके हैं। टोटल मौत हुई है 1,389। पंजाब में आज कोरोना का 132 नवा केस सामने आया है। इनके सागे ही पंजाब में कुल मरीजों की संख्या होगी 1,232। संक्रमण के कारण पंजाब के अंदर 23 लोगों की हुई है मौत। फिलहाल पंजाब राज्य के अंदर सिर्फ 3 मरीज वेंटिलेटर पर है, आ पंजाब स्वास्थ्य विभाग सूचना दी है। महाराष्ट्र के अंदर आज 771 नवा मामला सामने आया है और 35 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। इनके सागे ही महाराष्ट्र सबों ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामला वालों राज्य बन गयो है। इत 14,541 कोरोना पॉजिटिव है। अब तक 583 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। झारखंड से एक अच्छी खबर आने लग रही है। आज लगातार दूसरे दिन झारखंड में कोई भी नयो कोरोना पॉजिटिव को केस सामने कोनी आयो है। इत 115 कुल मामला है, जका मु 85 लोग ठीक और घर जा चुका है। अगली खबर राजस्थान के स्वाई माधोपुर से। इत आयड तूफान में 3 लोगों की मौत हो गई है, 50 ज़्यादा घायल हो गया है। अंदड़ गए मामले में जिला कलेक्टर के शर्मा बड़ी राहत वाली खबर दी है। मृतकों के परिजन ने सरकार की तरफों 4,4,00,000 रुपया आर्थिक सहायता देने को करो है ऐलान। करौली के टोडा भीम में आई भयंकर ओलावृष्टि हो बहुत से पक्षियों की मौत होने की खबर आने लग रही है। कच्चे घरों की छत छान छप्पर पानी की टंकियां टूटने से हो बहुत नुकसान। अगली बड़ी खबर बीकानेर से। कलकत्ता में फसेड़ा बीकानेर के लोगों लेर 5 बसा आज पहुंचेगी बीकानेर। जल्द ही बीकानेर के लोगों ने ट्रेन के जरिए लियाने की क्वाइद होवेली शुरू। सचिव कमल कल्ला संभाली है पूरी जिम्मेदारी। अगली खबर है पूरे राज्य भर से। अजमेर में फसेड़ा 1188 जायरीना लेर स्पेशल ट्रेन कोलकाता खातर हुई रवाना। भीलवाड़ा में प्रशासन की 26 शर्तों के सागे 2 जोड़ा लिया फेरा। पूरे राज्य भर में शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस की उड़ी धजियां। महाराष्ट्र से 1200 मजदूरान लेर आज ट्रेन पहुंचली जयपुर। लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क घूमने वालों पर हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस करी कार्रवाई। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस की कार्रवाई में 9 क्विंटल 10 किलो डोडा पोस्त के सागे 2 मुलजिमान करया गिरफ्तार। राजस्थान सरकार आपके खर्चे पर मेले ली बिहार के श्रमिका ने घर वापस। राज्य में बाहर के राज्यों आने वाले व्यक्तियों ने पहला करानी होगी स्क्रीनिंग और फिर रहना होगा क्वारंटाइन। अगर कोई संक्रमण का लक्षण मिला तो फिर ही घर होगा नसीब। प्रदेश के पढ़ने वाले टापरा खतर एक अच्छी खबर। राजस्थान में प्रसार भारती के 25 स्टेशन मिलियो 55 मिनट को निःशुल्क स्लॉट। प्रदेश की सरकार भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हूँ प्रसार भारती के माध्यम हूँ टावरा ने पढ़ाई खातर प्रतिदिन 55 मिनट को निशुल्क स्लॉट देने की मांग करी ही। आगे है खास खास खबर पूरे देश भर हूँ। सबसे बड़ी खबर आने लग रही है रेलवे के किराए पर सियासत ही तेज। BJP और कांग्रेस एक दूसरे पर लगाया आरोप। संबित पात्रा की भारत में 3 राज्य जका की कांग्रेस शासित है बे ही मजदूरा हूँ किरायो वसूलियो है, जबकि सोनिया गांधी आरोप लगायो है कि केंद्र सरकार विदेशा हूँ यात्रियों ने
फ्री में ले आई है इत, लेकिन इत के गरीब मजदूरा हूँ किरायो वसूलन लाग रही है। इन वास्ते सोनिया गांधी प्रवासी मजदूरा खतर कर दियो एक बड़ो ऐलान, पे कियो की कांग्रेस उठावेगी यात्रा को खर्च। सोनिया गांधी कियो की किसान देश को अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। लॉकडाउन को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़न लाग रियो है। रिजर्व बैंक अब बैंक से कर्ज वापसी की लगाईडी रोक ने 3 महीना और बढ़ाने पर विचार करने लाग रियो है। झारखंड में लॉकडाउन 3 में कोई रियायत कौन मिले, ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में आने वाले शहर में भी दुकान खोलने की मनाही है सिवाय जरूरी सामान के। दिल्ली सरकार शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य पर विशेष कोरोना शुल्क नाम को 70% टैक्स लगायो है, वो टैक्स आज हूँ लागू हो जावेगो। दिल्ली में शराब के ठेका पर लागड़ी लंबी लाइना देख रहे दिल्ली पुलिस आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री खतर दिशा निर्देश जारी करने खतर खत लिखियो। पुलिस कमिश्नर कियो है कि दुकाना ने एक नियत समय तक ही खोलियो जावे। कर्नाटक में भी पहले दिन 45 करोड़ की शराब बिकी। कर्नाटक आबकारी विभाग बतायो है कि दुकाना खोलने के पहले दिन ही रिकॉर्ड 45 करोड़ की शराब बिकी है। अगली बड़ी खबर है विदेशों में फंसड़ा भारतीय नागरिक खतर। केंद्र सरकार विमान और नेवी शिप के जरिए भारतीयों ने विदेशों निकालने की तैयारी के माई, लेकिन असुविधा होगी पेमेंट के आधार पर, सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट ही उपलब्ध होगी। 7 मई के बाद में कई चरणों के माई लोगों ने विदेशों निकाले जावे लो। प्रवासी मजदूरों खातर तेलंगाना में रोज चलेगी 40 ट्रेन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की है कि प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी खातर मंगलवार से 1 हफ्ते तक रोजाना 40 ट्रेन चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में भाग लियो। वे कहो कि भारत पूरी सभ्यता ने एक परिवार के रूप में देखे है, मैं आपके नागरिका की देखभाल करने सागे अन्य देशों खातर भी मदद खतर तैयार हाँ। देखियो कि माने आप भी जरूरत होने के बावजूद मैं 123 पार्टनर देशों ने चिकित्सा आपूर्ति सामान भेजो है, जबकि मैं कुछ निरपेक्ष आंदोलन का 59 सदस्य भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी कहो कि इन टाइम जब दुनिया कोरोना हो लड़न लाग रही है तो विश्व का कई समुदाय और देश हिस्सा भी है जिसका घातक वायरस जी तरह की आतंकवाद फर्जी समाचार आदि फैलाने में व्यस्त है। अगली खबर आने लाग रही है न्यूयॉर्क टाइम्स से। अखबार क्यों है कि एंटीबॉडीज टेस्ट से कोरोना वायरस को पतो कौन चाले है। एक स्टडी के मुताबिक 14 टेस्ट में हूँ सिर्फ 3 टेस्ट ही दे रहे हैं भरोसेमंद रिजल्ट। अगली खबर खेल जगत से। 5 बार का विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद मंगलवार को शुरू होने वाली ऑनलाइन नेशन कप शतरंज टूर्नामेंट में भारत की अगुवाई करेला। विश्व भर के खेल प्रतियोगिताओं ने चौपट करने वाली कोरोना महामारी के बीच में आयोजित होने वाले ई टूर्नामेंट में दुनिया के 40 का खिलाड़ी भाग ले वाला। यही आज के दिन की बागड़ी में फटाफट खबर। थाने वो मारो वीडियो किया लगियो वो कमेंट करके माने जरूर बताइयो। अगर हाँ थाने वो वीडियो पसंद आई है तो थे इन चैनल ने लाइक और शेयर जरूर करियो। जल्द ही देश दुनिया की ताजी खबरां बागड़ी में लेर थारी सेवा में फिर हाजिर होवांगा। तब तई